तो फ्रेंड्स बहुत सारे बंदे मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ट्रांजिट वीज़ा के बारे में बताओ, ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट वीज़ा। तो कई सारे सवाल हैं भाई लोगों के मन में। कोई पूछ रहा है कि मैं इंडिया से अप्लाई करूं, कोई पूछ रहा है कि मैं न्यूजीलैंड से अप्लाई करूं, कोई बैठा है इंडोनेशिया में, कोई कहीं पे, और ये पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ से अप्लाई करना चाहिए। तो इंडिया से अगर अप्लाई करें तो उसका प्रोसेस अलग है क्या, और अगर न्यूजीलैंड से करें तो उसका प्रोसेस अलग है क्या। और बहुत सारे ये पूछते हैं कि भाई कितने चांस हैं न्यूजीलैंड से अगर हम अप्लाई करते हैं वीज़ा तो क्या हमें वीज़ा मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे काफ़ी सारे सवाल हैं कई लोगों के, उनके क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा भाई। पूरी देखना वीडियो, और विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि ये चीज़ अगर आप अप्लाई करना चाहो तो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो डिपेंड करता है कम्प्लीटली आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बायोमेट्रिक होता है या नहीं होता, तो ये बहुत बड़ा सवाल है लोगों का। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, मैं रोविंद धीमान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिट वीज़ा के बारे में, ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट वीज़ा अगर आप सोच रहे हो कि अप्लाई करूँ तो उसके रिलेटेड ये वीडियो है पूरी। और इसको भाई अब पूरी देखना, जो आपका डाउट है वो सारा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। एंड इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं या फिर इसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आप ये ले सकते हो। तो सबसे पहले भाई मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से आपके पास होने चाहिए सो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। भाई सबसे पहले तो आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड, जैसे अभी पीछे आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हो, तो वाइट बैकग्राउंड के साथ आपका एक फ़ोटो होना चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड। कई बंदों के पास बोलते हैं कि दो पासपोर्ट है कि दोनों डाले क्या, तो दोनों ही डालो भाई, अगर दो पासपोर्ट है तो दोनों ही डालो आप लोग, ठीक है। तीसरी चीज़ आपके पास एक आपका बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, या फिर कहीं पर जॉब करते हो तो उसका प्रूफ, ज्वाइनिंग लेटर, तो वो आपके पास होना चाहिए प्रॉपर, या फिर बिजनेस प्रूफ हो तो इन दोनों में से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके पास आपकी टिकट होनी चाहिए भाई, वैलिड टिकट। कई बंदे ये पूछते हैं कि भाई डमी पे मिल जाता है कि, तो डमी पे नहीं मिलता भाई, ठीक है, डमी पे रिजेक्ट ही होता है, डमी पे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ जो टिकट का मैंने बताया, वो टिकट आपकी कहाँ से होनी चाहिए, वो टिकट आपकी भाई या तो जैसे इंडिया से अगर आप जा रहे हैं तो वाया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, मेलबर्न, क्वींसलैंड कहीं हैं, तो वहाँ से आपकी फ़्लाइट फिर डायरेक्टली होनी चाहिए ऑकलैंड के लिए या फिर वेलिंगटन के लिए या कहीं के लिए न्यूजीलैंड के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि या फिर आप रिटर्न आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का सवाल है कि अभी जो जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, सॉरी न्यूजीलैंड में बैठे हैं, उनको अप्लाई करना है, उनको के लिए क्या चाहिए भाई, वो टिकट उनको चाहिए कि न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया डायरेक्ट, कोई और लेओवर ट्रांजिट वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो ये उसका पूरा प्रोसेस है। और इसके अलावा आपके पास आपको एक आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए, तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट भाई। तो ये पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट अगर आपके पास है, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी है तो वो भी आप रखो साथ में, अगर नहीं है तो फिर पासपोर्ट चलेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहां पे जाकर आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो भाई अगर आप ये काम आप खुद भी कर सकते हो, जो कोई जो एबल है करने के लिए तो वो कर सकता है, अगर आपको ये सर्विस चाहिए भाई तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वो सर्विस आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ जो डाउट है आप लोगों का वो क्लियर करूँगा कि बायोमेट्रिक जो है वो बिल्कुल सबका जो अप्लाई करता है उसका होता है या नहीं होता, और कुछ एक दो सवाल के जो आंसर हैं आपको इस वीडियो में के इसमें मैं आपको मिल जाएंगे सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो मैं हूँ स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा सवाल है, ये डिपार्टमेंटल ऑफिस, द एप्लीकेंट मे बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑफिस फॉर एन इंटरव्यू विच इज़ द क्लोजेस्ट ऑफिस टू द एप्लीकेंट्स करंट लोकल स्टेटस, जो भी जहाँ पे भी वह है वो है। तो इसमें क्या है भाई कि इसमें इन्होंने क्या लिखा कि द एप्लीकेंट मे बी रिक्वायर्ड, दैट मीन्स आपको आना नहीं है, अगर उनको लगेगा कि हाँ भाई हमें कुछ डाउट है तो आप उसके लिए आओ बायोमेट्रिक के लिए,
तो आपको बायोमेट्रिक देने हैं, और वो देने कहाँ हैं, वो यहाँ पे देने हैं भाई, न्यूजीलैंड में, सिर्फ विलिंगटन में देने हैं, ऑकलैंड में नहीं है। तो विलिंगटन और ऑकलैंड का डिस्टेंस आपको पता ही होगा कितना है, तो वहाँ पे ये आपको जाना पड़ेगा अगर वो बुलाएंगे तो। ये नहीं कि आपको जाना ही जाना है, ये नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बुलाएंगे तो आपको जाना है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्लोजेस्ट तो है वो यही है, तो यही मैं आपको बताना चाहता था, ये आपका डाउट हो गया यहाँ पे क्लियर, ठीक है। अब हम चलते हैं आपको दूसरी चीज़ में, जो प्रोसेसिंग टाइम है जिसका, ठीक है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो भाई प्रोसेसिंग टाइम इसका ये देखो आप, 'द एस्टिमेट टाइम फ्रेम इज बेस्ड ऑन हाउ लॉन्ग इट हैज़ टू प्रोसेस रिसेंटली फाइनलाइज्ड एप्लीकेशन। इट डज नॉट गारंटी योर एप्लीकेशन विल बी फाइनलाइज्ड विद इन द फ्रेम टाइम। मतलब भाई इनका जो टाइम है ना मैक्सिमम, वो एक्चुअली 16 दिन का है, और इन्होंने यहाँ पे ये भी क्लियरली मेंशन कर दिया कि भाई कोई गारंटी भी नहीं है कि ये जो 16 दिन में ही आपको मिलेगा। जनरली भाई ये मिल जाता है विद इन अ वीक, एक हफ्ते में मिल जाता है जनरली, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है 16 डेज, लेकिन उसके बाद उन्होंने लिखा कि कोई गारंटी नहीं है कि आपको उस टाइम में मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली मान लो कि आपका प्लान है ना भाई, तो कम से कम आप 25 दिन पहले तो अप्लाई करो ही करो, अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करते हो डेट वेट डाल के, सारी चीज़ आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इन्होंने पूरा जितने भी ये प्रोवाइड करते हैं, तो सारे इन्होंने यहाँ पे, ये जो ट्रांजिट है वो यही है, सब क्लास 771, ठीक है। स्ट्रीम इसमें कोई अवेलेबल नहीं है। एप्लीकेशन डेट आपको डालनी है, सबमिट कर देना है, और स्टेटस आप अपना देख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे ये प्रोसेस होता है, और ये देखिए ये दिखा देता है भाई आपको, ये आपके सामने एकदम लाइव मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो 90% प्रोसेस इन दिस पीरियड 16 डेज है ना, जो मैंने बताया था ना, ये कोई बताता नहीं है भाई ये चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है, और इसके बाद मतलब आप 16 डेज लगा लो तो 16 डेज में रिजल्ट वैसे आ ही जाता है एनी हाउ, किसी भी उसमें। योर वीज़ा में टेक लॉन्गर टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर योर वीज़ा इज़ इनकम्प्लीट और मिसिंग। मतलब कि भाई अगर इन्होंने आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं, जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, तो भाई डेफिनेटली ये डिले हो जाएगा और ये कैंसिल भी हो जाएगा, ये इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है। तो अप्लाई करने से पहले ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए भाई, ये बहुत लोगों को पता नहीं है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो भाई इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये देख लो 90% वीज़ा प्रोसेस इन 16, तो 16 डेज का टाइम लेके चलो, इसके अकॉर्डिंगली आप अपना अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज़ और भाई मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसके लिए ज़रूरी है, बायोमेट्रिक के लिए भाई, फॉर वीज़ा दैट इज़ पार्ट ऑफ द बायोमेट्रिक प्रोग्राम फॉर अ कंट्री दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आर बायोमेट्रिक प्रोग्राम, सबमिट योर वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन वेयर पॉसिबली पॉसिबल और बाय पोस्ट। इफ़ वी सेंड यू ए लेटर टू लेट यू नो वी वॉन्ट योर बायोमेट्रिक, यू मस्ट कम टू द ABCC। मतलब जहाँ पे भी वो बुलाएंगे, जैसे भी मैंने आपको बताया कि न्यूजीलैंड का है, न्यूजीलैंड में उन्होंने वेलिंगटन में इनका ऑफिस, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। इफ़ यू योर लोकेशन लोकेटेड इन पाकिस्तान, प्लीज़ विजिट योर नियरेस्ट ABCC एट द टाइम दैट इज़ कन्वीनियंट फॉर यू, फॉर ऑल अदर लोकेशन यू मस्ट अरेंज एन अपॉइंटमेंट फर्स्ट, ठीक है। किसी और लोकेशन के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, बट उसमें मैंडेटरी नहीं है भाई, ठीक है। तो ये ज़रूरी था आप लोगों को बताना, और इसके बिहाफ पे और इसके अकॉर्डिंगली आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। और ये जैसे कि इन्होंने लिखा है कि मे बी रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ी तो बुलाएंगे, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। तो ये कि इसका पूरा एप्लीकेशन है भाई, जो अभी रिसेंटली हमने अपलोड करी है, तो इसका जो रिजल्ट अभी होगा वो डेफिनेटली हम आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो यही था आप लोगों का डाउट, और इसको होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा। कौन अप्लाई कर सकता है भाई? कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने ये वीडियो देखी भाई, और इसमें आपको जो आपका डाउट था वो डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, बायोमेट्रिक ज़रूरी है कि नहीं है, अगर है तो कहाँ कहाँ देने पड़ेंगे, वो क्या होगा, वो आपको मेल आएगा, मेल कैसे आएगा आपके ईमेल पे।
जो ईमेल आपका रजिस्टर्ड है। और तो यही सारी कुछ ऐसी कॉमन सी चीज़ें थी जो लोग पूछ रहे थे भाई, और विद लाइव मैंने आपको बता भी दिया कि इसमें ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके पास, जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपका पासपोर्ट फोटो, आपका बिजनेस प्रूफ, आपके टिकट्स, आपका आईडी कार्ड, आपका कुछ और भी, या आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, आपको एप्लीकेशन डालनी है, खुद भी डाल सकते हैं, आप हमसे भी सर्विस ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है। अगर आप खुद नहीं कर सकते हो, आप सर्विस ले सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस करने के लिए और ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, और ऐसे आप इसको ले सकते हो। अब किन लोगों को मिल जाएगा भाई, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई सोचे कि यार मेरे कोई बिजनेस है तो कोई इफेक्ट है, मतलब कोई अलग इफेक्टिव चीज़ है, फिर ITR में लगा दूँ तो इसमें, या फिर कवर लेटर में लगा दूँ, या आइटनरी में लगा दूँ, या होटल बुकिंग, कोई चीज़ इसमें रिक्वायर्ड नहीं है भाई। ट्रांजिट वीज़ा के लिए आपको ये कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि आप उस कंट्री में सिर्फ ट्रांजिट कर रहे हो, ना कि उस कंट्री में आप स्टे कर रहे हो, ठीक है। और डिपेंड करता है, एक चीज़ और डिपेंड करती है, कि ये नहीं कि भाई आपका अगर ले ओवर मान लो कि 1 घंटे से भी कम है, तो आपको 90% चांस है कि आपको ये वीज़ा नहीं मिले, क्योंकि विद इन 1 आवर आपको जो पूरा प्रोसेस है वो करने में बहुत कम रहता है, किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में अगर आप ट्रांजिट करते हो, ठीक है। लेकिन वो वीज़ा फ्री नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अगर आपको ट्रांजिट करना है तो आपको वीज़ा चाहिए ही चाहिए, और वो डिपेंड करता है आपकी फ़्लाइट और आपके बाकी डॉक्यूमेंट के ऊपर। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस टू गेट ए ट्रांजिट वीज़ा। काफ़ी लोग पूछ रहे थे भाई, तो फाइनली उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शेयर कर देना। देखो इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड भाई मैं इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ, वीज़ा से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन हम डालते रहते हैं। किसी भी कंट्री का आपको वीज़ा चाहिए तो वी प्रोवाइड द सर्विसेज फॉर दैट। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड, तो उसका एक्सपीरियंस हम शेयर करते रहते हैं लोगों से, कि कैसे वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं, कैसे वो अपने आप को थोड़ा सेफली विद कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, क्या लगते हैं इमिग्रेशन का प्रोसेस कैसा है, कैसे आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, कौन सी एयरलाइन बेस्ट है, फिर कौन सा रूट सही है, तो वही इन्हीं से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है तो उसको शेयर जरूर करना अपने भाइयों के साथ, ट्रैवलर्स के साथ। और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।